महाभारत का युद्ध एक ऐसा घमासान जिसमें इंसान तो इंसान बल्कि साक्षात भगवान भी आकर लड़े थे। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ। इस दौरान भीष्म पितामह जैसे महारथी से लेकर कर्ण जैसे अत्यंत दानवीर और दयालु योद्धा तक अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें दुर्योधन के घमंड का नाश हुआ और शकुनि के छल का अंत हुआ था। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में दोनों ही पक्ष के 4,50,00,000 योद्धाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर खत्म होते होते केवल 18 महान योद्धा ही शेष बचे। शेष सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। यह महज कहानी नहीं बल्कि इतिहास है। इतिहास की एक ऐसी कथा है जो आदमी के साहस, भीषण संघर्ष, छल कपट और सही गलत की समक्ष की गाथा सुनाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने वह सबूत पेश करेंगे जो इस बात की चीख चीख कर गवाह बनी है कि यह महाभारत वास्तव में कुरुक्षेत्र में लड़ा गया है। यह वह सबूत है जो आज सबूत के तौर पर मिलते हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध वास्तव में आज से करीब 5,000 वर्ष पूर्व हुआ था। हिंदू इंस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग यह कुरुक्षेत्र आज की डेट में मॉडर्न स्टेट ऑफ हरियाणा में मौजूद है, वहाँ जहाँ से आज से 5,000 साल पहले 3,137 BCE में लड़ा गया था। हिंदू धर्म के सबसे मशहूर और पवित्र ग्रंथ गीता में इस युद्ध का वर्णन देखने को अभी मिलता है। यह ग्रंथ युद्ध भूमि में खड़े भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंटेड भी करता है। श्रीमद् भगवद गीता में इस युद्ध से संबंधित बहुत ही घटनाओं का वर्णन है, जिसमें 7,000 श्लोकों और 18 अध्यायों में बांटा गया है। यह ग्रंथ कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र की अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज और डायलॉग का एक कलेक्शन भी है। इसमें इस युद्ध की शुरू से और आखिर तक की पेश आने वाले हर वाक्य पर जानकारी मौजूद है। आइए अब आगे बढ़ते हैं उन सबूतों की ओर जिनकी खोज रिसर्चर और खोजबीन ने मिली। सबूत नंबर 1, नक्षत्र और तारों की गवाही। दोस्तों, कहते हैं कि तारे झूठ नहीं बोलते, यह सब की रात जानते हैं, लेकिन सोचिए क्या हुआ अगर खुद ब खुद यह तारे महाभारत की सत्यता की गवाही दें, तो शायद यह बात आपके लिए चौंकाने वाली हो, मगर इस बात में 100% सच है कि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस पूरे ग्रंथ में एक नहीं बल्कि कई बार तारों और नक्षत्रों की दिशाओं को वर्णित किया गया है, कुछ वैसे ही जैसे आज हम तारीख में डेट डालकर करते हैं। मसलन अगर आज कोई घटना होती है तो उस घटना के साथ एक तारीख जुड़ी होती है, और यही तारीख इस घटना को इतिहास में एक स्थान दिलाई। जी पुरानों दौर में ठीक यही काम तारों और नक्षत्रों की दिशाओं के वर्णन के साथ किया जाता था, जो कि महाभारत के दौरान भी हुई थी। सबूत नंबर 2, ज्योग्राफिकल एविडेंस। कहने को तो महाभारत का युद्ध मॉडर्न डे हरियाणा के एक छोटे से कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया था, मगर इस पूरे वॉर का जिक्र एपियर इन प्लेसेस एक छोटे से इलाके में नहीं पड़ा था। महाभारत का युद्ध बहुत से ऐसे स्थानों को भी वर्णित करता है। आसान शब्दों में आज से करीब 5,500 साल पहले हुई इस जंग में बहुत ऐसे जगहों का उल्लेख है जिनका वजूद हमें आज तक देखने को मिलता है। सबूत नंबर 3, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान की पूछ। सभी को यह घटना तो मालूम ही होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी, जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत जो कि कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंधमादन पर्वत में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में दो रास्ते से जा सकते हैं, पहला
नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। सबूत नंबर 4, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो मात्र महाभारत में 3 बाण ही लेकर युद्ध लड़ने जा रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक की को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजन होने का वरदान दिया। बर्बरिक ने कृष्ण के समक्ष एक इच्छा भी व्यक्त की थी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा से उनका शीश एक ऐसे स्थान पर रखवा दिया जहाँ से वो पूरे महाभारत को देख सकते हैं, और आज के स्थान पर वह खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी राजस्थान में मौजूद है। सबूत नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का स्थल। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। कंस उसके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उनके मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज भी स्थित है। सबूत नंबर 6, व्यास पोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माना गांव में स्थित है। यहां महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मानता यह है कि इस गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया गया था, जिसमें गणेश जी ने उन्हें लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का भी जन्म हुआ था। सबूत नंबर 7, बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मानता यह है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के 4th पुत्र वसु ने ग्रीवरज नाम के इस नगर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले वृहद्रथ ने इस पर कब्जा कर लिया था। वृहद्रथ ने अपनी शूरता के लिए मशहूर था। तो दोस्तों, हमने आपको महाभारत के 7 जिंदा साक्ष्य बताए। अगर आपको इस वीडियो में जरा भी कुछ सेंसिबल और साइंटिफिक लगा तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।